रुपए अच्छे दिन आएंगे जी, आए तो है नहीं जी। सो आपको लोगों, अगर मेरी सोनिया जी से वार्ता हो जाती है, राहुल जी से वार्ता हो जाती है, आज मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया है, मेरी उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मुझे अगर अवसर मिलता है तो मैं पूरे देश में कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में उसकी कुनीतियों के बारे में मैं बताऊंगा लोगों को जाकर के कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा सड़कों, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, सड़कों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो थ्री व्हीलर, वो क्या नाम है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, एक साइकिल भी नहीं है। आम जनता में नोटबंदी को लेकर के जो सड़कों पर लाइन लगी हुई थी उसका मैं शिकार हुआ हूँ, रोष का, गुस्से का, आक्रोश का। लोग पीटने के लिए दौड़ते हैं, ये जनता में इस प्रकार का गुस्सा देखने के लिए आ रहा है। तो आपने कभी बीजेपी या मोदी के टीम को इन्फॉर्म करने की कोशिश की? हाँ, मैंने तमाम 50 पत्र लिखे हैं। मुझे अफसोस है कि माननीय मोदी जी मन की बात कहते जरूर है लेकिन मन की बात सुनते नहीं है। कि माननीय मोदी जी ने मुझे अपने गले लगाया, अपने चरणों में से उठाया, मुझे आलिंगन दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे तमाम 50 पत्रों के लिखने के बाद भी आपने कोई कार्रवाई, कोई जवाब, मेरे से मिलना भी उचित नहीं समझा। तो मैं इस, ये मेरे अंदर ये दर्द है, इस दर्द को लिए मैं घूमता हूँ। देखिए, मैं एक प्राइवेट विद्यालय मेरा है, दो बार मैं अपने क्षेत्र में पार्षद रहा हूँ, जनपद सहारनपुर में। अच्छा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 99 में मैं लड़ा हूँ, 2012 में मैं विधायक की लड़ा हूँ और 2017 में मैंने वाराणसी से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से पर्चा भरा था, जो एक साजिश के तहत मेरा पर्चा खारिज कराया गया, उसकी लड़ाई मैं आज भी न्यायालय में लड़ रहा हूँ। नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे? नेक्स्ट इलेक्शन में इस देश के दिग्गज के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो अच्छे दिन लाने का वादा करते हैं लेकिन अच्छे दिन लाते नहीं।